नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम पीएम मोदी जी का बांग्लादेशी दौरा खत्म होने के तुरंत बाद बांग्लादेश के मंदिरों और ट्रेनों पर हुए हमले वाली खबर के बारे में बात करेंगे, जिस हिंसा में 10 प्रदर्शनकारियों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ इस्लामिक समूहों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में अभी तक कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर थे, तो उस समय भी बांग्लादेश के कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की यात्रा खत्म होने के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले हुए और देश भर में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, दुनिया भर की कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वहीं रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भी एक कट्टरपंथी इस्लामिकवादी समूह के सैकड़ों सदस्यों ने बीते रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और एक ट्रेन पर हमला किया और पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ इस्लामिक समूहों द्वारा किए गए इस प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में अभी तक कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों के मौत की खबर भी आ रही है। दोस्तों, पीएम मोदी की वापसी के बाद प्रदर्शन में हुई मौतों को लेकर हिंसा अभी और भी भड़क चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बीते शुक्रवार को बांग्लादेश के ढाका पहुंचे थे और उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को करीब 1.2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें सौंपने के बाद वह भारत लौट आए थे। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा में कई अहम आयोजनाओं में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 5 करार भी हुए। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे अगर इस प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रदर्शनकारी इस्लामिक समूहों ने पीएम मोदी पर हिंदू बहुल भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और रबर की गोलियां भी चलाईं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन हजारों इस्लामिक कार्यकर्ताओं ने विरोध में शनिवार को चटगांव और ढाका की सड़कों पर मार्च किया। वहीं दोस्तों, शनिवार के बाद रविवार को प्रदर्शनकारियों को हिफाजत इस्लाम समूह ने ब्रह्मबाड़ियों के पूर्वी समूह के एक हिस्से में ट्रेन पर हमला कर दिया, जिसके चलते 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, रॉयटर्स को एक पुलिस अधिकारी ने नाम न लेने पर जाहिर की शर्त पर बताया कि उन्होंने ट्रेन पर हमला कर दिया और इससे इंजन रूम और लगभग हर कोच को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में बांग्लादेश में कई प्रेस क्लब पर भी हमले हुए हैं। दरअसल दोस्तों, एक पत्रकार जावेद रहीम ने रॉयटर्स को बताया है कि ब्रह्मांड बारिया जल रहा है और कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा भी दी गई है। यहां तक कि प्रेस क्लब पर भी कई हमले हुए हैं और कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, जिसमें प्रेस क्लब की अध्यक्ष भी शामिल हैं। दोस्तों, हम बहुत ही डरे हुए हैं और हम असहाय महसूस कर रहे हैं, ऐसा वहाँ के पत्रकारों ने बताया है। दोस्तों, बांग्लादेश के पत्रकारों की तरफ से ये बताया गया है कि कस्बे में कई हिंदू मंदिरों पर हमला भी हुआ है और इस्लामिक प्रदर्शनकारियों ने बीते रविवार को राजशाही में 2 बसों में आग लगा दी। वहीं नारायणगंज में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई और उन पर पत्थरबाजी भी की गई। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने टिम्बर और रेत के बोरों से रोड बंद कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट भी दागी, जिसके चलते नारायणगंज में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए।